नमस्ते, आप लोगों को मैं आज ऐसे क्रूड ड्रग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके घर के आसपास वो जो पत्तियाँ हैं वो पौधे हैं आप लोग अपने घर के आसपास हमेशा देखते होंगे, पर आप लोगों को इससे दवाई बनती है ये चीज़ आप लोगों को जानकारी नहीं है, पर आप लोगों को आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियोज आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इज जितेंद्र प्रसाद एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एजीए कॉलेज ऑफ फार्मेसी घटियाली चास बोकारो झारखंड। आई एम ग्लेड टू से दैट आई गॉट अ टॉपिक एक्चुअली आई गॉट टू टॉपिक्स टू एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक्स फ्रॉम आवर प्रिंसिपल सर। सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल सर डॉक्टर निरंजन सुतार हु गेव मी द चांस टू एक्सप्लेन एंड डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स। देर आर टू टॉपिक्स विच आर फर्स्ट वन इज Senolips and second is Digitalis. So let's start this video. First one is Senolips. Senolips जो एक पत्ती होती है आप लोगों को पता होना चाहिए और इसका इसके पांच चीज़ें पढ़ेंगे। First is Senolips, second is biological source, third is family and chemical constituents and its uses. First is Senolips. Senolips का synonym क्या है? टिनवेली सेना, इंडियन सेना एंड सोनामुखी। इसका तीन सेनोनिम्स होता है और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है कि ये मतलब ये इट्स कंजिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया एगस्टिफेलिया। तो जो केसिया एगस्टिफेलिया होता है ये होता है बॉटनिकल नेम इसका। और ये किस पार्ट से पाया जाता है वो होता है ये लिप्स, ड्राइड लिप्स, सूखे पत्तियों से ये पाया जाता है। तो इसके फैमिली की अगर बात करें कि कौन सा फैमिली से है, ये लेगुमिनोसिस। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स सेना कंस्टेंट्स एंथ्राक्यूनोलिस ग्लाइकोसाइड्स। मतलब क्या है कि जो इसमें एंथ्राक्यूनोलिस ग्लाइकोसाइड्स होता है, इसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है, इसके स्पेशलिटी की वजह से इसे दवाइयाँ बनाई जाती है। तो जिसमें आपका आता है सेनासिड ए, सेनासिड बी, सेनासिड सी, सेनासिड डी और भी होते हैं जैसे सेनेडिन, राइन, एमोडिन, एलोइन, एमोडिन। अगर आप फिर इसके बात करते हैं इसके यूजेज की, तो इसके यूजेज में आता है इट इज़ यूज्ड एज लेक्जेटिव। ये लेक्जेटिव की तरह काम करता है। इट इज़ एन इरेटेटिक परगेटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्यूरिन डेरिवेटिव्स। इट इज़ फ्री एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ टैनिन। तो जो सेनोलिप्स होता है ये स्पेशली लेक्जेटिव की तरह काम करता है। जो स्टूल होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसके सॉफ्ट करने में ये काम आता है। तो इससे दवाई बनाई जाती है। और इसके जो सेकंड हमारे जो टॉपिक है वो है डिजिटलिस। तो इस डिजिटलिस के बारे में आप लोग जानते होंगे, मतलब कि आपके घर के आसपास देखे होंगे, पर इसके बारे में आप लोग जानकारी नहीं था। तो इसका भी हम लोग पांच चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सेनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली किस फैमिली से आते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स एंड इट्स यूजेज। तो डिजिटलिस का सेनोनिम होता है डिजिटलिस लिप्स और फॉक्सग्लोव लिप्स। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है डिजिटलिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लिप्स, डिजिटलिस परफोरिया ड्राइड एट अ टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेल्सियस इमिडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द लिप्स। तो जो डिजिटलिस होता है ये सूखी पत्तियों से इसे दवाई बनाई जाती है और इसे 60 डिग्री सेल्सियस के बिलो में इसे हीट किया जाता है टेम्परेचर में और इसके इमिडिएटली मतलब तुरंत गर्म करने के तुरंत बाद इसे कलेक्ट किया जाता है इसके पत्तियों को। और इसका फैमिली की अगर बात करें कि किस फैमिली से आता है, तो ये एस्ट्रोफ्लोरेसी। और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होता है डिजिटलिस कंटेंट्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, इससे इस केमिकल के वजह से इसे दवाई बनाई जाती है, जिसमें आता है परपरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी और आता है इसमें डाइजोजिन, डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सिन, डिजिटॉक्सीजेनिन, डिजिटोनिन, जीटोनिन और डिजिजेनिन। और इसके यूजेस की बात करें कि इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज ए कार्डियोटॉनिक। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये हार्ट फेलियर में काम आता है, इसे ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, स्पेशली बोला जाए तो ये हार्ट के लिए काम करता है। और कंजेस्टन होता है, ये जो हार्ट होता है वो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं कर पाता है
और कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है कि जो हार्ट के अंदर में जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाते हैं होल बॉडी में, तो इससे हार्ट फेलियर हो जाता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसका ट्रीटमेंट में डिजिटलिस अच्छा काम करता है, डिजिटलिस का जो कार्डियोटोनिक यूज में आता है और इसे दवाई बनाई जाती है लाइक टैबलेट कैप्सूल्स, ये सब जो होता है ये सब दवाई बनाने से उसके बाद क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को सप्लाई कर पाता है। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से दोनों डिजिटलिस और सेनालिप्स के बारे में पता चल गया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे प्रिंसिपल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लोग चाहे तो अच्छे तरह से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।